खाना है, लेकिन क्या जो हमें जिन मात्रा में जो जो असेंशियल चीजें खानी चाहिए, क्या उस मात्रा में शरीर को हम दे पा रहे हैं? इंडिया आजकल एक एक्सप्लोजन पे है कि मोटापा और ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। कम खाना भी माल न्यूट्रिशन है, ज़्यादा खाना भी माल न्यूट्रिशन है। जब माँ ही प्रॉपर न्यूट्रिशनली खाना नहीं खा रही तो उसका होने वाला बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत सारे करते हैं, जो भी कंसर्न साइंटिस्ट है जो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड है हमारे यहाँ, वो उनको यहाँ सिखाएंगे भी, प्लस हमारे यहाँ फार्मर्स हॉस्टल है, उनको रहने का सब कुछ इंतजाम। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि बायो केमिस्ट्री क्या है और ये बायो केमिस्ट्री कितनी यूजफुल हो सकती है हमारे किसानों के लिए? ये जानने के लिए और बायो केमिस्ट्री में करियर के क्या क्या स्कोप्स हैं ये जानने के लिए, इस वक्त हम IARI के बायो केमिस्ट्री डिविजन की HOD डॉक्टर अरुणा त्यागी जी के पास आए हैं। तो सबसे पहले मैम आपका गाँव जंक्शन पर स्वागत है। मैम बायो केमिस्ट्री की बात की तो बायो केमिस्ट्री को हम जैसे कहते हैं जैव रसायन संभाग या जैव रसायन विज्ञान, तो बायोकेमिस्ट्री से एग्रीकल्चर में या यूनिवर्सिटी में कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है। आपको बायोकेमिस्ट्री हर जगह मिलेगी, हर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में मिलेगी। तो मैम बायोकेमिस्ट्री डिवीजन में एग्जैक्टली होता क्या है जिनको नहीं पता उनके लिए? बायोकेमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे अंदर क्या हो रहा है, जैसे हमारे अंदर जो मेन हमारा बॉडी में जो हमें जो हम खाते हैं, आप वहाँ से शुरू कीजिए। जैसे हमारे जो शरीर को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स एंड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तो इन सब चीज़ों की स्टडी करना कि ये हमारा बॉडी इनको किस फॉर्म में खाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, क्या क्या एंजाइम्स हैं जो उनको गवर्न करते हैं, फिर हम उन एंजाइम्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे फिर आगे उनकी हम अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए, या हम क्या कह सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्लांट के बेटरमेंट के लिए कैसे उस नॉलेज को हम आगे अप्लाइड एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, वो एक तरीका हुआ। या जैसे पहले हम खाद फूड सिक्योरिटी की बात करते थे कि हमारे देश में एनफ खाना नहीं था सभी के लिए, 1960s की बात है, आप सभी जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो भी एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया था, जिसकी वजह से आज हमारे पास इतना भरपूर खाना है कि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ के 140-150 करोड़ हो गई है, लेकिन फिर भी आज की डेट में सभी के लिए खाना पर्याप्त मात्रा में है। खाना पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम आ गई है कि हम कहते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषण सुरक्षा, मीन्स खाना है लेकिन क्या जो हमें जिन मात्रा में जो जो असेंशियल चीज़ें खानी चाहिए, क्या उस मात्रा में शरीर को हम दे पा रहे हैं? देखा समस्याएं काफ़ी सारी हैं, जैसे बच्चों में स्टंटेड की प्रॉब्लम है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि केवल उनको खाना कम मिल रहा है, कई बार ज़्यादा खाना भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जो बच्चों में ओबेसिटी हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, इंडिया आजकल एक एक्सप्लोजन पे है कि मोटापा और ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है बच्चों में भी और बड़ों में भी, तो ये भी अपने आप में एक माल न्यूट्रिशन ही है। जहाँ कम खाना भी माल न्यूट्रिशन है, ज़्यादा खाना भी माल न्यूट्रिशन है। प्रेग्नेंट वोमेन में एनीमिया है, जब माँ ही प्रॉपर न्यूट्रिशनली खाना नहीं खा रही तो उसका होने वाला बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा, और अगर होने वाले बच्चे ही हेल्दी नहीं होंगे तो हम सोच सकते हैं कि भारत के भविष्य की कल्पना कैसे करें, जहाँ पे छोटे बच्चे पैदा होते के साथ ही हेल्दी नहीं है, फिर बड़े होते हैं तो उनमें प्रोटीन एनफ नहीं मिलता है, अंडर न्यूट्रिशन की समस्या रहती है, एनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें हमारी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हम सभी बच्चों को, जो वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन या जो भी एक वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, एल्डरली लोग, उनको एक उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए एक पर्याप्त बैलेंस्ड मात्रा में प्रॉपर पोषक खाना उन तक पहुँच सके, वो हमारा गोल होना चाहिए। खाना एनफ है लेकिन पोषक मात्रा में, एक प्रॉपर मात्रा में पोषक खाना इन सभी लोगों को जो हमारे देश का कल भविष्य है, उनको एक खाना मिल सके, एक पोषक तत्व सारे मिल सकें और हमारे बच्चे हेल्दी तरीके से ग्रो करें, तो ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का एक लक्ष्य है और हम उस तरफ काम भी कर रहे हैं।
जैसे मैम ये जो आपने कहा कि हम उस तरफ काम भी कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ये रखे हुए हैं, तो इन प्रोडक्ट्स में क्या है और ये कैसे न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं और कैसे हेल्थ अच्छी कर सकते हैं? ये है सॉफ्ट बाजरा आटा और ये है सॉफ्ट मक्का आटा। तो आप जानते ही होंगे जैसे कि बहुत पहले हमारे गांवों में हमारी दादी, हमारे जो पुराने जनरेशन थे, हमारी मम्मियाँ घर में सर्दियों में मक्का की रोटियां बनती थीं, बाजरे की रोटियां बनती थीं, और अगर उससे भी पहले जाएं तो गेहूं तो लोगों ने सुना भी नहीं होगा शायद, ज़्यादातर इसी तरह के रोटियां बनती थी मक्का, जो मोटे अनाज आज हम वो कर रहे हैं, yes. वो पहले वो लोग खाते थे, नॉर्मल खाने में आती थी। हाँ, सॉफ्ट मक्का बाजरा मोटा अनाज, आपने बिल्कुल सही चुना है, मोटा अनाज। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नया नाम दिया, श्री अन्न, मोटे अनाज को। तो वही चीजें वापिस आ रही हैं क्योंकि हमें अब लाइफस्टाइल डिजीजेस इतनी आ गई हैं, डायबिटीज, आई थिंक सबसे काफ़ी इंडिया अब डायबिटीज़ का कैपिटल बनने जा रहा है, बहुत लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है और आई थिंक छोटे छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ की समस्या आ रही है। उसका कारण यही है कि हम बहुत ज़्यादा जो फाइन सीरियल्स हैं, राइस, व्हीट, इन पे हमारी ज़्यादा डाइट सेंटर्ड हो गई है। तो अब फिर से हम वापस इनकी तरफ लौटना चाहते हैं। ये रोटी के साथ साथ जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट्स वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह, उस सब में भी हम इन सब का यूज कर सकते हैं, जैसे जो नूडल्स, बेक प्रोडक्ट्स, उन सब में ये क्योंकि गेहूं के आटे की तरह हो जाता है तो सब में हम इनका यूज किया जा सकता है। फिर इस आटे तो बच्चों को जो जिनको थोड़ा फैंसी दिखने वाली चीजें अट्रैक्ट करती वो सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे। बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, बच्चों को जो चाहिए वो सब आप बना सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं उनके लिए, इवन बर्गर भी अगर इसका बनाएंगे तो ज्यादा हेल्दी होगा बजाय आप नॉर्मल बर्गर के। तो बच्चों में प्रोटीन की मात्रा जो है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की समस्या काफ़ी है, और इस वजह से जो है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को प्रोटीन एनफ मात्रा में खाया जाए। तो जो स्कूल में आपने देखा मिड डे मील स्कीम्स वगैरह चली गई हैं, तो उसमें अगर बच्चों को दाल का और पल्स अगर एनफ क्वांटिटी में दे जाए तो कुछ हद तक हम उनकी प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की समस्या हल कर सकते हैं। तो उसी लिए कि ये आटा है हाई प्रोटीन आटा, जिसमें हमने प्रोटीन पर्ल मिलेट आटे के बेस में ही पीनट प्रोटीन को मिक्स किया है विद वीट वाइटल ग्लूटेन के साथ, और ये 60% तक जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ प्रोटीन्स है वो पूरा करता है। ये है एक मल्टी मिलेट, इसमें कई तरह की मिलेट इकट्ठा कर दिया है, अच्छा मिक्स कर दिया सोरगम, मेज, पर्ल मिलेट वगैरह, तो ये भी रोटी की तरह आराम से मिल सकता है, लेकिन इससे आपको लाइफस्टाइल डिजीजेज और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो हो गया है, कुछ फूड हम खाते हैं तो उससे ग्लूकोज हमारे ब्लड में एकदम से बढ़ता है, तो उनको हम कह सकते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड। अच्छा, तो जैसे कि चावल खाना, चावल खाने से क्या कि एकदम से आलू चावल इस तरह जिसमें हाई स्टार्च कंटेंट होता है, तो डायबिटीज लोगों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, उससे उनकी समस्या और एग्रेवेट होती है। तो हमें डायबिटीज वगैरह के केस में ऐसी चीजें खानी चाहिए इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो, और खाना खाने के बाद बॉडी में ग्लूकोज एकदम से ना बढ़े, धीरे धीरे बढ़े। तो उसके लिए सभी मिलेट्स या मोटे अनाज बहुत ही अच्छे हैं, और इसमें खासकर हमने कई सारे मिलेट्स को मिक्स किया है, जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही लो है और डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये जो आपने मल्टीपल मिलेट्स को बनाने की बात की, तो अगर कोई घर पे बैठा हो जिसके पास मिलेट्स का ऑप्शन हो, तो वो ये कैसे घर पे भी बना सकता है? इसमें जैसे हमने 3-4 मिलेट्स डाला है, सोरगम, पर्ल मिलेट और मेज, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है। तो अगर कोई हमारे पास आएंगे तो हम एक बार उन्हें ये दिखा सकते हैं, इन पे लिखा भी होता है कितना कितना परसेंट है थोड़ा सा, क्योंकि जब सारे मिलेट्स को मिलाते हैं तो उसको बेलने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें थोड़ा सा वीट ग्लूटेन होता है, तो उसको मिला के रोटी सॉफ्ट बन जाती है। तो ये हम जो भी हम बीच बीच में कुछ कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह, हमारा जो बायोकेमिस्ट्री का एक मेन काम है, हम यहाँ पे ट्रेनिंग्स बहुत सारे करते हैं, और जो भी कंसर्न्ड साइंटिस्ट है जो इन प्रोडक्ट से रिलेटेड है हमारे यहाँ, वो उनको यहाँ सिखाएंगे भी, प्लस हमारे यहाँ फार्मर्स हॉस्टल हैं, उनको रहने का सब कुछ इंतजाम है, वो आराम से जितने दिन रुकना चाहें आराम से रुक सकते हैं, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो सकते सीख के यहाँ से जा सकते हैं, उनको हर तरह का हेल्प है निःशुल्क। इसके अलावा मैम ये पाउडर फॉर्म था, ये मैं बहुत देर से देख रही थी, ये क्या है एग्जैक्टली? ये आप सबको पता ही है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है, और ये ट्रेडिशनली नून है, जैसे सब बोलते हैं कि विटामिन ए का क्या फ़ायदा है,
विटामिन ए का फायदा आंखों के लिए बहुत है, छोटे छोटे बच्चों को विटामिन ए खिलाना चाहिए ताकि उनकी आंखों की रोशनी अच्छी रहे। तो ये विटामिन ए जैसे हम सबको पता है कि कलर्ड वेजिटेबल्स में मिलता है, जैसे मुख्य स्रोत हैं पम्पकिन, गाजर वगैरह। तो बच्चे अगर सीजन में गाजर अच्छे से खाएं, गाजर का जूस पिएं, तो उससे उनकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। विटामिन ए मिलता है हमें कैरोटीनॉइड से, कैरोटीनॉइड्स होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स, रेड एंड ऑरेंज पिगमेंट, जो कि गाजर पम्पकिन में काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। तो ये ऑरेंज गाजर जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है, उसका पाउडर है कैरोटीन पाउडर, और इसको हम एक तरह से नेचुरल कलरेंट भी बोल सकते हैं। जैसे हम सैफरन खीर वगैरह में डालते हैं, इसको भी हम बच्चों के, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है, उनकी आंखों के लिए अच्छा है, तो हम उनके खाने में किसी ना किसी बहाने दूध में, दही में या उनकी सब्जियों में थोड़ा डाला जा सकता है। और पाउडर है, इतना टेस्ट भी गाजर का है तो टेस्ट भी अच्छा ही लगेगा बच्चों को। अब कच्ची गाजर खाना एक थोड़ा लिमिटेड है कि कितना खा सकते हो आप, कई बार बच्चों को टेस्ट नहीं पसंद तो वो प्रॉपर नहीं खा पाएंगे, थोड़ा सा ही खाएंगे फिर छोड़ देंगे। तो और दूसरा सीजनल होता है गाजर वगैरह, तो केवल सर्दी के 2-3 महीने में ही आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो अगर इसका पाउडर बना के रख लेंगे और बच्चों को खिलाएंगे, पूरे साल खिला सकते हैं, तो उनकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और प्लस जो बच्चों को आजकल छोटी उम्र में ही चश्मा लग जाता है, देखने की समस्या है, तो उसमें भी हम काफ़ी हद तक उनको इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। अगर ये पाउडर फॉर्म में है, प्लस ये अलग फॉर्म भी हैं, चिप्स हैं उनके, फ्लेक्स हैं, तो इनको आप इस चिप्स को चिप्स की फॉर्म में भी खा सकते हैं। फ्लेक्स को ऐसा है जैसे पानी में अगर हम इनको भिगो दें तो वापस हाइड्रेट हो जाएगा, तो इसको सब्जी में, जैसे आउट ऑफ सीजन सब्जी में गाजर का जैसे रिप्लेसमेंट है, तो आप हाइड्रेटेड करके इसको उस तरह से भी खा सकते हैं। तो बेसिकली अल्टरनेट एक तैयार कर दिया गया, जैसे पाउडर वाला है कि बच्चे अगर नहीं खाते तो इस तरीके से दही में सब्जी में थोड़ा मिक्स कर दें तो इस बहाने वो खा लेंगे। टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि गाजर ही है, तो उनको टेस्ट का इतना पता नहीं चलेगा। पर यह है कि बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत अच्छा है कि उनकी आँख में, मतलब आँखों की जो रोशनी की समस्या है और छोटी उम्र में जो उनको चश्मे वगैरह लग जाते हैं तो वो किसी हद तक कम हो सके। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी हों और उनको हर तरह से नेत्र सुरक्षा, प्लस उनको खाने में प्रॉपर पोषण मिले और वो ना ओबेसिटी की तरफ जाएं ना ही अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन की तरफ। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैम थैंक यू सो मच, गांव जंक्शन को आपने टाइम दिया।